टन टन होंगे हम घर में नहीं रहूंगी, आज मैं लेके आ जाऊंगी घास के लिए। और अभी नाश्ता वास्ता हमारा बन गया, सारे अपने अपने काम पे लग गए। कौन नामी नहा गई है, करण छपा छपा खबर कर रहा है छपा छपा। प्लम्बर नहीं बोलते उसे, प्लम्बर तो नल नल वाले होते ना। ये काम कर रहे हैं, कौन सा नाम बताइए? मिस्त्री का काम। पापा ये लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, साबुन रखने वाला वो लगा रहे हैं, साबुन दानी बन, मुझे नहीं पता क्या बोलते। और मैं सबको चॉकलेट दूंगी अब, क्योंकि उनकी क्या इसलिए क्योंकि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। ये हमारी पार्टी होगी, शाम तक पहुंचेंगे। अभी फिलहाल इससे मुंह में खाते हो, गिर गया आगे। अभी बात दे तू यू नानन ठीक जा आज वो है भी उसमें उतने। तो गाइस इस टॉपिक पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं आपके सामने कोई गलत रिव्यू शेयर नहीं करूंगी। आप लोग खुद देखने वाले हो कि मेरे को घर में कितने काम होते हैं ना, मैं धूप में काम करते रहती हूँ। और यहाँ पे मैं उत्तराखंड में ऐसी जगह पे रहती हूँ जहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा, मतलब 24 घंटे 12 महीनों में बिल्कुल सर्दी वाला मौसम रहता है, बिल्कुल ठंडा। तो जब सर्दी और गर्मी दोनों मिक्स हो जाते हैं तो फेस पे अपने आप प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। और सबसे गंदी चीज पता क्या हुई थी मेरे साथ, जब मेरी शादी हुई तो मैं चंडीगढ़ से जब उत्तराखंड आई ना, तो वो बोलते ना पानी बदलता है, तो उस चक्कर में मेरे फेस मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गया था। मैं मतलब दिल से ना थैंक यू बोल रही हूँ क्योर स्किन वालों को कि मुझे उनके प्रोडक्ट रिसीव हुए। और मेरे फेस पे देख सकते हो आप, कोई इश्यू नहीं है ना, मेरे फेस पे एक भी पिंपल भी नहीं दिखेगा आपको, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तो ये देख सकते हो आप, ये छाइयां भी नहीं है। पता क्या, मैं बता चुकी हूँ आपको पहले कि मैं गिर चुकी थी बचपन में, उसका निशान रह रखा था, मतलब जब गिरी थी तो उसका निशान रह गया था। लेकिन अब ये धीरे धीरे देखो ये बिल्कुल कम हो रहा है। और कई बार पता मैं क्या सोचती हूँ कि काश मेरे को ये शादी से पहले मिल जाता तो अब तक मैं इसको बिल्कुल साफ कर चुकी होती। तो मैं स्किन मतलब मेरी स्किन बिल्कुल साफ हो चुकी है क्योर स्किन की वजह से, थैंक्स टू क्योर स्किन। तो बहुत खुशी होती है मुझे अंदर से कि मैं क्योर स्किन के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। और अब बताती हूँ मैं आपको, शेयर करती हूँ इसका रिव्यू पहले। तो क्योर स्किन का मैं सबसे पहले करती हूँ यूज फेस वॉश, मैं इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट नहीं लगाती अपने फेस पर, कुछ नहीं। मेकअप का मेरे पास इतना सारा सामान पड़ा हुआ लेकिन कुछ नहीं यूज करती। जब शादी वगैरह में जाऊंगी कहीं तभी, वरना नहीं, वरना मेरे को जरूरत नहीं पड़ती क्योर स्किन की वजह से। तो ये देखो फेस वॉश के बारे में आपको बता चुकी हूँ, सबसे पहले मैं फेस वॉश यूज करती हूँ है ना। सेकंड मैं करती हूँ मॉइस्चराइजर, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सर्दी है तो उस वजह से, मतलब ठंड की वजह से फेस आप काफी रूखा रूखा हो जाता है, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। और यहाँ पे मौसम का पता नहीं चलता, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर दोनों लगा के चलने पड़ते हैं। ये देखो ये सनस्क्रीन, क्योंकि मैं धूप का काम ज्यादा करती हूँ तो इसलिए मेरे लिए सनस्क्रीन। वैसे तो मेरे फेस देखते हो आपकी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल पिंपल वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है आफ्टर पीरियड्स उस टाइम पे पिंपल आने लग जाते हैं। तो ये देखो ये दो ट्यूब रिसीव हुए मुझे वहीं से क्योर स्किन से। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, यहाँ डॉक्टर बैठे होते हैं 24 घंटे, इनसे पहले सलाह सुला करके उसके बाद आपको सारे प्रोडक्ट रिसीव होते हैं। आपकी पहले फोटो मांगते हैं आपकी, मतलब पूरी शक्ल की, पूरे फेस की आपकी फोटो मांगते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कि क्या प्रॉब्लम है आपके फेस में सब। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि विदाउट फिल्टर जाती है सारी फोटो, तो सब कुछ दिखने को मिल जाता है उनको डॉक्टर को कि क्या क्या हो रहा है इनके फेस पे, उसके रिकॉर्डिंग ये आपको दवाई वगैरह या जो भी होता है, मतलब ट्यूब वगैरह या प्रोडक्ट वगैरह जो भी इनका सामान है सारा तब उसके बाद भेजते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है प्रोडक्ट यूज़ करके। तो जल्दी से जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहीं से डाउनलोड कीजिए और अपने प्रोडक्ट खरीदें। एक बार रिजल्ट जरूर चेक करें और मेरे साथ शेयर करें। 50K होने वाला है, दादी ऊपर है, भाई को दे दिया, मुझे तो नहीं खिलाया आपने, दादी को देके आओ, जाओ दादी ऊपर है, दादी के लिए मैं बचा के रखी, नहीं दादी को देके आओ, जाओ तुम।
हमारे पीछे पीछे हमारा पीछा कर रहा है। यस हम आपको पीछा कर रहे हैं। क्या पता तेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। दादी बोलो बधाई हो। ये देखो अरे लड़का स्माइल नहीं करता स्माइल। ये देखो है कितने क्यूट लग रहे तुम। गेम बंदों को ये भी नहीं पता चलता कि मैंने लगा रखे इनके घर पे। मम्मी और सारे कर रहे नाश्ता। हम घास काटने के लिए गांव से गांव ऊपर आ गए और यहाँ नीचे गधे आ गए। हम बस देखो पानी की आवाज आ रही है तो अभी मैं इधर घास काटूंगी इधर और मम्मी काटेगी ऊपर सुखाने के लिए और मैं गाय को लेके जाने के लिए फाइनली हम घर पहुंच गए हैं और अब मैं जा रही हूँ संतरे निकालने पेड़ से जो नीचे है और अब उसके संतरे पक चुके हैं मतलब अच्छे से माल्टे बोलते हैं ना पक चुके हैं और तो आज हम फिर से बनाएंगे खटाई। आज मैं ज्योति और मम्मी जी और हैं क्योंकि राहुल तो अभी आए नहीं वो काम नहीं जा रखे हैं श्रीनगर मैंने आपको बताया था पहले भी और मैं अभी इससे निकालती हूँ माल्टे दिखाती हूँ कितने सारे लगे हुए इस पर। ये देखो पूरा भरा हुआ है अभी अभी काफ़ी है इस पर है ना तो मैं निकालूंगी ऊपर के पहले ऊपर कह जाऊं पर तो मैंने माल्टे तोड़ दिए हैं चार बहुत हैं क्योंकि मैं पहले ऊपर से निकाल चुकी हूँ दो तीन तभी मैं यहाँ से चार लेके जाऊंगी और अभी हम बनाएंगे खटाई सारे शांति 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 हो रही है। गाइस आ चुके हैं हमारे माल्टे चीनी नमक और ज्योति भी तो गाइस यहाँ पे चाकू ना लगता हुआ ये लग नहीं रहा। इधर देखो हाँ इधर देखो वाह पीछे का पान निकल गया ये एक रस पर सब निकल गया पर कटे लोगों ने देखो गाइस संतरे ना ना वेगी दादी अब ये चीनी पड़ती हुई कटाई में थोड़ा डाल दे अब नमक डाल हमारी पोटली नमक पता क्या मैंने वो पीस होता है ना डब्बा पीस होते हैं तो अब ये एक्स्ट्रा वाला है एक्स्ट्रा नमक पीस होगा धनिया इन्हीं का डाल दे हाथ इसमें तो ज़्यादा जब तेरी था तो डाल दी बस अम्मी की पता है मैं नमक मर्च करूँगा ना तब ठीक है तब चम्मच मिली लेंगी नहीं कौन को मम्मी तेरे मंगू ना चम्मच में डाल तो गाइस खाना खा लिया हमने और मैंने बर्तन वर्तन धो दिए हैं और अब मैं आराम करूंगी और मैंने देखो धूप में इतना काम किया फिर मेरी शक्ल कितनी अच्छी हो रखी है ना साफ। ओ इससे एक चीज याद आया हम चले पान लेने प्रणाम तो गाइस हम पान लेने जा रहे हैं और अब पता नहीं हमें पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि आगे चल रही है आजकल सफाई आज गांव की सफाई चल रही है सफाई अभियान मतलब दादी कुछ बोलो चलो 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 सफाई अभियान चल रहा है और क्या साफ हो गया बोलो कुछ सफाई अभियान चल रहा है हमारा यहाँ रास्ते साफ बना दिए हमने ओके थैंक यू बाय दादी ये देखो रास्ता साफ हो रहा है मतलब झाड़ी वगैरह उखाड़ रहे ना अभी आ गए हमें मम्मी और भी दिखेंगे क्योंकि इनके ड्यूटी लग रखी है खा लग क्यों अच्छा आज गांव की सारा रास्ता साफ हो रहा है ना तो लोगों की यहाँ बारी लगती है चार चार मतलब चार पांच लोगों की एक जगह में चार पांच लोगों की एक जगह में अभी आगे साफ हो रहा है देखो हम आपको बताएंगे अभी हाँ वो भी खाई साफ हो रही है खाई गंदी सी हो रखी होती है हो गया साफ यहाँ देखो साफ हो रहा आज मस्त लग रहा हूँ मस्त सफाई करते हुए ये देखो यहाँ गागर भरी जा रही है ताई जी की होगी ऐसे तो आ रहा हूँ ये देखो हेलो मैं सामने आ रही रुको रहन दो आज ताई जी और ड्यूटी लग रही है हमारी खाल है अच्छा ठीक है करो करो सफाई करो हम घूमने जा रहे हैं बाय मम्मी मम्मी और आ रखे ना ये तो जन कपड़ा बन गया कपड़ा
ठीक है ना, ना मेरे पास है, आप ले जाओ। रोड में घूमने आ रखे हैं और यहाँ से मैं आपको स्पेशल अपना गांव दिखाने के लिए लेके आई हूँ। यहाँ से हमारा पूरा गांव दिखता है, मतलब मेरा पूरा ससुराल दिखता है यहाँ से, तो मैं आपको पूरा ससुराल दिखाऊंगी अपना, ठीक है? तो बताना मुझे जिस जिसके घर है यहाँ पे, कमेंट करना। सीआरपी जी की बस भी आ गई, देखो सामने से आ रही है। ऐसे देखिए हमारा पूरा गाँव और यहाँ से हमारा घर दिख रहा है, कम शांत दिख रहा है। देखो नीला 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 घर हमारा। हम जा रहे हैं आंवला तोड़ने और सामने से मुझे लग रहा है ब्लॉगर आ रहे हैं शायद, वो भी देख एक दूसरे को शूट कर, ऐसे ऐसे भाग भाग के शूट कर रहे हैं। तो गाइस आंवले निकाल लिए हमने, मेरी जेब में, मैंने एक खा रही हूँ, मैं कामली नहीं खाती। तो अब हम जा रहे हैं नीचे अमरूद तोड़ने कामली के लिए, है ना? मैं अमरूद भी नहीं खाती, खाती है छुट्टी। तो गाइस फाइनली हमारे 50K कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का, अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। तो धन्यवाद आप सबका, क्योंकि हमने ना बहुत जल्दी कवर कर लिए 50K, बहुत जल्दी कवर कर लिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से। दादी थैंक यू बोलो। क्या ना दादी, आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो अच्छा। केक काटो आप, चलो दादी काटो, इतना ताली बजाएंगे हम, ताली बजाएंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे 50 के। ये लो दादी, खाओ खाओ, बधाई हो आपको। धन्यवाद। मैं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम बच्चों हैं। आप सबको बधाई हो, सभी को बधाई हो, बहुत सारे दर्शक दर्शक सब धन्यवाद करो, थैंक यू बोलो सबको। चिरंजीव रहो, उन्नति करते रहो, पापा कभी लगाओ, आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, चिरंजीव रहो, आगे बढ़ते रहो। ये क्या था? पांच हो, पांच हो, पांच हो, पांच हो, पांच हो। गुड, जय माता दी। अब कन्नू की बारी। चल चल चल, पांच हो, पांच हो। ये कन्नू हम केक खाएंगे, उसके बाद मिलेंगे हमसे तो खाना खाने के टाइम पे। गाइस खाना हमने खा लिया है और आज हम देख रहे हैं हमारी शादी की पेन ड्राइव, और अंदर एक चीज दिखाती हूँ। पॉपकॉर्न करण जी बना रहे हैं, होममेड पॉपकॉर्न, और यहाँ पे ये छल्ली निकाल के रखी हुई है, बस इसको मैं निकालूंगी, उसके बाद करण बना रहे हैं पॉपकॉर्न। और मिट्टी डाली क्या इसमें? मिट्टी कैसे बनते हैं? तेल से। तो गाइस इतने बन चुके हैं, जनाब खुद ही बना रहे हैं और खुद खा रहे हैं, और यहाँ तेल गरम हो रहा है और इतनी मक्की रहती है, इसको बनाना है अभी। हमारी पूरी फैमिली वहाँ वो देख रही है, क्या बोलते हैं, हमारी शादी की कैसेट वीडियो जो भी होती है वो देख रही है, और हम यहाँ पॉपकॉर्न बनाने पे लगे हुए हैं। मैं तो गाइस पॉपकॉर्न बन चुके हैं, अब जाते हैं अंदर। राहुल और सारे वो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फुल एंजॉय है, और हम यहाँ पॉपकॉर्न बना रहे हैं। खुश देखा कम की खुशी देखना, हाय हाय। पॉपकॉर्न खाओगे? पॉपकॉर्न ओ हो, यहाँ देखो दूल्हा ना इतना नाच रहा है, उफ इतनी खुशी शादी। ये देखो गाइस सारे एंजॉय करते हुए हमारी वीडियो जनाब। हाय स्माइल डुबू के, फिर मैं सीरियस हो गई यहाँ पे, है ना? मम्मा पापा फैमिली मेरी लेट रखे यहाँ पे, लेट लेट के देख रहे हैं। ये हमारी बारात आ रही है, मतलब मेरी बारात आ रही है। मेरे घर लो रोड में नाच रहे हैं, दूल्हा क्या है?
हमारी मूवी कंप्लीट, मूवी मतलब सॉरी वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और टाइम कितना हो रहा है? हेलो गाइस, ग्यारह बजने वाले और अब हम चाय पीने जा रहे हैं और मेरी डुगली को नींद आ रही है, इसलिए चाय बना रही हूं। चाय एक अच्छा से चल चाय बना रहे फोन नीचे तो मेरा फोन तेरा चाय बना रही हूं अंधेरे में चाय राहु देखो मुझे अकेले डर लग रहा था, मैं इनको भी उठा के ले आई और अब पियेंगे हम चाय। आ जाओ गाइस चाय पीने, रात के 12 बजे की और आज का ब्लॉग करेंगे हम यहीं पे समाप्त। आई होप आपको ब्लॉग में मजा आया होगा, एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और बाय, गुड नाइट, ध्यान रखना अपना सारे। सीरियस इंसान